हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स, इसकी थ्योरम 7.1 का प्रूफ समझेंगे। थ्योरम 7.1 इज एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या है कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम लोग को दो ट्राइंगल्स गिवन है, ए बी सी वाला ट्राइंगल और डी ई एफ वाला ट्राइंगल। ठीक है, और इसमें क्या दिया गया है कि टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, यानी कि इस ट्राइंगल के दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड, दूसरे ट्राइंगल के टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड के इक्वल है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल है, एंगल सी जो है वो एंगल एफ के इक्वल है, और इन ये दोनों एंगल्स इंक्लूडेड साइड मींस बीसी साइड, इन दोनों एंगल्स के बीच में कौन सी साइड मिल रही है हम लोग को, बीसी साइड मिल रही है। तो बीसी वाली जो साइड है वो यहाँ पे भी देखिए दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड मींस ई एफ के इक्वल है। तो हम लोग को प्रूफ कराना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट है। अब यहाँ पे हम लोग इनको प्रूफ कराने के लिए एक्सियम 7.1 का यूज करेंगे। एक्सियम 7.1 क्या है, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल है। ठीक है ना, तो इसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे प्रूफ कराएंगे। फर्स्टली इसमें गिवन लिख लेते हैं, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी एफ ई एंड बी सी साइड इज इक्वल टू ई एफ साइड। टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ प्रूफ। देखिए इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ कराएंगे एस ए एस एक्सियम से। तो एस ए एस एक्सियम यूज करने के लिए यहाँ पे देखिए हम लोग को एंगल तो मिल रहा है, एंगल हम कोई भी एक ले सकते हैं। ठीक है, एंगल हमें मिल रहा है, एक साइड हमें मिल रही है, तो हमें एक दूसरी साइड चाहिए जिसकी कंडीशंस हम लोग लेके चलेंगे। क्या कंडीशन लेके चलेंगे, उसमें तीन केसेस हो सकते हैं। देखिए, या अगर हमने मान लीजिए ए बी साइड और डीई साइड को लिया, ठीक है, कोई भी पेयर ले सकते हैं यहाँ पे, एसी साइड और डीएफ को भी ले सकते हैं, या हम लोग एबी साइड और डीई साइड को हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि हमें दो साइड चाहिए और एक एंगल चाहिए। तो एंगल तो हमें मिल रहा है, साइड हमें एक मिल रही है, तो हम दूसरा पेयर लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो है तीन केसेस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, अगर हमने एबी और डीई साइड को लिया है, तो या तो एबी साइड जो है वो डीई के इक्वल होगी, या ए बी साइड जो है वो लेस होगी डीई से, या ए बी साइड जो है वो ग्रेटर होगी डीई से। यही तीन कंडीशंस हो सकती हैं, या तो ए बी साइड डीई के इक्वल होगी, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी, या ए बी साइड जो है इसके लेस होगी, और या ए बी साइड ग्रेटर होगी। यही तीन चीजें हो सकती हैं। तो इसी को हम लोग लेके चलेंगे और एक एक केस लेकर के उसकी स्टडी करेंगे कि उसके अकॉर्डिंग हम लोग इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग केस वन लेते हैं। फर्स्टली केस वन, लेट ए बी इज इक्वल टू डी ई। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ए बी इज इक्वल टू डी ई, क्योंकि हम ये मान के चले हैं, सो यहाँ पे रीजन में लेट लिख सकते हैं। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ। ठीक है, ये हम लोग को क्वेश्चन में ही गिवन है, थ्योरम में गिवन है, और बी सी साइड जो है वो ई एफ के इक्वल है, ये भी हम लोग को गिवन है। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, और यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी की कौन सी कंडीशन लगी है, साइड एंगल साइड की। ठीक है, तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं बाय एस ए एस रूल। तो इस केस में तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए।
अब हम लोग सेकंड केस लेके चलते हैं कि जब ए बी साइड जो है वो डी ई से छोटी होगी तो क्या होगा। केस टू में हम ले रहे हैं कि लेट ए बी इज लेस देन डी ई, ई पॉइंट है। तो देखिए जब ए बी साइड डी ई से लेस है, ए बी साइड डी ई से छोटी है, तो इट मीन्स डी ई वाली साइड जो है वो ए बी से बड़ी है ना। तो बड़ी है तो हम लोग इसमें एक पॉइंट ले लेते हैं डी डैश। इस तरीके से लिया है डी डैश को कि ए बी साइड जो है वो डी डैश ई के इक्वल है अब, ठीक है। और उसके बाद हम डी डैश को एफ से यहाँ पे ज्वाइन करा देंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे ज्वाइन करा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लेते हैं, टेक डी डैश ऑन डी ई सच दैट ए बी इज इक्वल टू डी डैश ई, ठीक है। और साथ में ही हम ज्वाइन कर देंगे ज्वाइन डी डैश एफ। तो इस केस में क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमने डी डैश ई को और ए बी को इक्वल बना लिया है, ठीक है। तो अब ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, डी डैश ई एफ वाला ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। तो डी डैश ई एफ, तो ए बी साइड को हमने इक्वल बनाया है डी डैश ई के बाय कंस्ट्रक्शन, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी डैश ई एफ, ये हम लोग को गिवन है। डी डैश ई एफ कहिए या आप डी ई एफ कहिए, ठीक है, तो बात तो एक ही, हम एंगल ई की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और बी सी साइड जो है वो ई एफ के इक्वल, ये भी हम लोग को गिवन है, ठीक है। So this implies that कि triangle ABC is congruent to triangle D-EF by SAS rule, ठीक है। Side angle side, इस rule से क्या हुआ, दोनों triangles यहाँ पे congruent proof हो गए हैं। तो जब congruent proof हो गए हैं ये दोनों triangles, तो यहाँ पे जो corresponding angle जो हम लोग को मिलेगा वो भी हम लोग को equal मिलेगा। इसका मतलब कि जो एंगल सी है यहाँ पे वो एंगल डी डैश एफ ई के इक्वल होगा, क्योंकि अब ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, है ना, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, इसलिए एंगल सी जो है वो एंगल डी डैश एफ ई के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी डैश एफ ई के इक्वल होगा। अब ये पॉइंट ध्यान से देखिए कि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ए सी बी वाला एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, बट क्वेश्चन में यानी कि थ्योरम में हम लोग को क्या गिवन था कि सी वाला एंगल जो है इस टोटल एफ वाले एंगल के इक्वल है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमने लिखा बाय सी पी सी टी से, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, क्योंकि हमने प्रूव कराए थे, इसलिए ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसलिए आपस में इक्वल हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग को गिवन क्या था कि बिकॉज एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी एफ ई, डी एफ ई है ना, ये हम लोग को गिवन था क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए एल एच एस दोनों के इक्वल आ रहे हैं, तो इट मीन्स आर एच एस भी यहाँ पे इक्वल होंगे, है ना, कि डी डैश, अब हम क्या कह रहे हैं कि डी डैश एफ ई वाला एंगल, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, जबकि हम लोग को गिवन क्या था, ये पूरा एंगल गिवन था, है ना। तो इट मीन्स कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हुए, जब यहाँ पे एल एच एस इक्वल है तो ये दोनों आर एच एस भी इक्वल मिले हम लोग को, है ना। दिस इम्प्लाइज दैट कि एंगल डी डैश एफ ई इज इक्वल टू एंगल डी एफ ई। तो ये कब हो सकता है, जब हम कह रहे हैं कि डी डैश एफ ई जो है वो डी एफ ई के इक्वल है, जबकि डी डैश एफ ई तो केवल इतना एंगल है और डी एफ ई ये पूरा एंगल है,
तो ये किस केस में सही हो सकता है? जब डी डैश और डी ये दोनों पॉइंट कॉन्साइड्स करेंगे, यानी कि ये दोनों एक ही पॉइंट होंगे, तभी ये केस हो सकता है। भाई जब डी डैश इस पर आ जाएगा तभी तो ये एंगल पूरा एफ मिलेगा हम लोगों को। यहाँ पे लैंग्वेज में लिखेंगे कि दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन डी डैश एंड डी कॉन्साइड्स टू ईच अदर। तो अब यहाँ पे डी डैश और डी पॉइंट, क्योंकि ये एक दूसरे को कंसाइड कर रहे हैं, तो इट मीन्स अगेन हम लोग को ट्रायंगल कौन सा मिला? डी ई एफ वाला ट्रायंगल मिला, ठीक है ना। तो डी ई एफ वाला ट्रायंगल मिला, जो कि हमने केस वन में ऑलरेडी प्रूफ करा के रखा है कि दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं उस केस में। तो दिस इंप्लाइज दैट कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ बाय एस ए एस रूल, ठीक है। अब हम लोग केस थ्री लेते हैं। केस थ्री, तो केस थ्री में हम लोग ले रहे हैं कि ए बी साइड इज लार्जर देन डी ई साइड। लेट ये हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि ए बी साइड लार्जर है डी ई साइड से। तो जब ये बड़ी है ना, ए बी साइड बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे, डी ई साइड को हम थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे, और हमने डी पॉइंट डी डैश पॉइंट तक की एक्सटेंड कर लिया। इस तरीके से लिया है कि डी डैश ई वाली जो साइड है वो ए बी साइड के इक्वल है, ठीक है, और डी डैश ई एफ को हमने डी डैश एफ को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं, एक्सटेंड डी ई टू ई डैश सच दैट, सॉरी डी डैश सच दैट ए बी इज इक्वल टू डी डैश ई एंड देन जॉइन डी डैश एफ, ठीक है। तो यहां पे देखिए हमने क्या किया कि ए बी साइड को डी डैश ई के इक्वल हम लोगों ने बना लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन हम लोग ट्राइंगल लेंगे, कौन सा, ए बी सी वाला ट्राइंगल और डी डैश ई एफ वाला ट्राइंगल। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में फिर से जो हम लोगों ने केस टू में स्टडी किया है अभी, वही सेम चीजें हम लोग को मिलेंगी, क्या कि ए बी साइड जो है वो डी डैश ई के इक्वल है, बाय कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने बनाया है, बी वाला एंगल इसके इक्वल है, गिवेन है, और BC वाली साइड जो है वो EF के इक्वल है, इसलिए दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। और जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो अगेन हम लोग को वही कंडीशन मिलेगी जो हमने केस टू में किया था, क्या कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, यानी कि ACB वाला एंगल जो है वो हम लोग को डी डैश एफ ई के अब इक्वल मिलेगा, है ना, डी डैश एफ ई के इक्वल मिलेगा। बट हम लोग को क्वेश्चन में गिवन क्या था, थ्योरम में क्या गिवन था, कि ये जो सी वाला एंगल है वो डी एफ ई के इक्वल है, इस एंगल के इक्वल है। तो ये चीज तभी तो पॉसिबल है जब डी डैश और डी पॉइंट यहाँ पे कंसाइड करेंगे, है ना, जब कंसाइड करेंगे तभी ये दो वाला एंगल हमको मिलेगा, ये वाला एंगल हम लोग को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग ये चीज दोबारा से नहीं लिखेंगे, बल्कि हम ये लिख देंगे यहाँ पे स्टेटमेंट कि रिपीटिंग द आर्ग्यूमेंट इन केस टू, है ना। तो यहां पे लिख सकते हैं रिपीटिंग द आर्ग्यूमेंट्स इन केस सेकेंड वी कंक्लूड। आपको शो करके दिखाना हो तो हम उसे शो भी करके दिखा सकते हैं, या हम लोग सीधे ये लिख सकते हैं कि रिपीटिंग द आर्ग्यूमेंट इन केस टू, उसको बार बार शो करने की जरूरत नहीं है, है ना। वी कंक्लूड दैट ट्राइंगल ए बी सी is congruent to triangle DEF by SAS rule. Okay, तो ये हो गया हम लोग का प्रूफ, प्रूव्ड। आई होप ये थ्योरम आपको समझ में आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।